कॉल के बाद आपका कॉल ऑटोमेटेड सर्वे में ट्रांसफर हो जाएगा। कृपया एडवाइजर से बातचीत के अनुभव को 1 से 5 के बीच रेट करें, जहां 1 सबसे कम और 5 सबसे अधिक है। धन्यवाद। हेलो पांजरे से शेयर डीटेक रूम। नमस्कार, जिस जो मैं आपसे स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। मैम, मुझे इंटरनेट यूज करने में बहुत इशू आ रहा है, मैं रोज परेशान हो रहा हूँ। मैंने कल भी शिकायत किया था, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, मैं हर बार यही प्रॉब्लम फेस करता हूँ। मैम, मैं परेशान हो गया हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, इस कॉल से मैं पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें कॉल किया और अपनी प्रॉब्लम शेयर की। अभी चेक करके बता दिए सर, आपको गुड नेम जान सकते हैं? मेरा नाम मोहित है मैम। जी मोहित जी, नाम बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूछना चाहेंगे उस लोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, जहाँ से आप बात कर रही हैं मोहित जी? जी हाँ, मुझे यही प्रॉब्लम आती है, मुझे उत्तम नगर में ही प्रॉब्लम जा रही है, मतलब जिस एरिया में मैं रहता हूँ यही प्रॉब्लम आती बार बार। जी जी बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड सर, ओबियसली हमने पैसे पे किए हैं, अगर उस चीज की सर्विस ना मिले तो प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, आपकी बात नहीं है, बात पैसे की नहीं है। पैसे तो रिचार्ज वैसे ही बढ़ा दिया है जियो ने, बट पैसे की बात नहीं है। वाईफाई मिल जाता है, बट हमें जो यूज करना होता है ना, मोबाइल का समटाइम यूज करना होता है, तो उसमें भी नहीं चल रहा, तो फिर क्या मतलब है ना। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। ऑब्वियसली आपने पैसे पे किए हैं, अगर उस चीज़ की सर्विस ना मिले तो प्रॉब्लम आती है सर। मैं समझ सकती हूँ, अभी इस समय आपको कितनी परेशानी हो रही होगी सर्विसेज को लेके। आप हमारे बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हैं सर, हम नहीं चाहेंगे आपको कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह सर्विसेज को लेके। इंटरनेट पे ही सारा काम डिपेंड है, बहुत चीजें अपलोड करनी होती है, बहुत सी सही टाइमिंग पे पहुँचानी होती है, तो मेरे को जल्द से जल्द ये सॉल्यूशन कर दीजिए आप। जी हेलो सर, ओवरऑल आपके एरिया में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ नेटवर्क कवरेज तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है सर, बट ना। हेलो, आप क्या घर से बात कर रहे हैं मैम? आप बार बार म्यूट कर दे रहे हैं। हेलो, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल आपके एरिया में जो नेटवर्क कवरेज होता है ना सर, वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा हो जाता है कि आस पास की जो सफाई देने वाली साइड होगी ना, वहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। बट आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस कॉल के दौरान जो भी आपको कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है वो मैंने मेरी नेटवर्क टीम को शेयर किया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सर्विसेज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की, जो भी आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ जी, और कुछ पूछना? थोड़े से समय दे दीजिए सर, मैंने आपका फीडबैक हमारे नेटवर्क टीम को शेयर किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार चेक करके देखिए मैंने कितनी बार कंप्लेंट करवाया। बिल्कुल सर, मेरी रिकॉर्डिंग भी होती होगी ना, आप हमें कॉल कर रहे हैं, आप लोगों से जब बातचीत होती होगी तो हमारी रिकॉर्डिंग भी होती होगी बातचीत की। हाँ जी बिल्कुल सर, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप हमें 4 तारीख से कॉल कर रहे हैं, 4 जुलाई की सर्विसेज को लेके। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझ सकते हो कि आपको कितनी परेशानी हो रही थी, 2 महीने होने वाले बट अब तक रेजोल्यूशन नहीं मिला। आई कैन अंडरस्टैंड सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं सर, आप हमारे बहुत ही वैल्यूबल कस्टमर हैं, आपकी संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है। मेरे से जो बन पाएगा सर पूरी कोशिश करूंगी इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की, जो कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और मेरी एक और बात रहती है कि मैं यदि 4G कर लेता हूँ, मेरा 5G का सेट है, अपडेटेड भी है, ठीक है, 5G अनलिमिटेड चलता, बट मैं 4G चलाता हूँ तो 4G में थोड़ा बहुत चलता है, एंड 5G जब करता हूँ उसको अप्लाई तो घर में बिल्कुल भी 5G नहीं चलता। क्या मेरे घर में कोई ऐसी डिवाइस है जिसके कारण इंटरनेट रुक जा रहा है, या फिर कहीं बाहर कोई कुछ हो तो बता दीजिए आप। मेरे घर पे एक वाईफाई का डब्बा रखा हुआ है, मतलब चलता नहीं है, बस ऐसे रखा हुआ, तो उसको कोई दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, कई बार ऐसा होता है सर, 5G कवर तो होता है बट कुछ साइड से ना जैसे कि कवर अप नहीं हो पाता, इंडोर साइड से नहीं पहुंच पाता है,
इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है सर। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने ये भी इशू बताया। मैं 5G के रिगार्डिंग ये अलग से आपका इशू हाईलाइट कर रही हूँ। आपको ये इसका अपने आप रेजोल्यूशन मिल जाएगा। लोकेशन थोड़ी लोकेशन सेम है ना, वही लोकेशन में प्रॉब्लम है 5G के नेटवर्क में, है ना सर? मेरी लोकेशन उत्तम नगर है दिल्ली। हाँ जी, मतलब मेरे पास एड्रेस तो आ रहा है, मतलब सेम लोकेशन है, बस मैं यही कन्फर्म करना चाहती हूँ। हाँ जी, उत्तम नगर जैसे कॉलोनी शिप्रा। ठीक है सर, मैंने आपका ये भी इशू मेरी मेरी नेटवर्क टीम को शेयर कर दिया है। ऑटोमेटिक यहाँ से आपको अपडेट दे दिया जाएगा जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है सर। कॉलिंग के दौरान भी प्रॉब्लम आती है? कॉलिंग के दौरान भी 5G में प्रॉब्लम आती है? हाँ जी। हाँ, वो नेटवर्क कवरअप नहीं हुआ था, इस वजह से हो रहा था। वही मैंने दोबारा रिप्लेस कर दी कॉलिंग का भी, और नेटवर्क नहीं आते 5G के। राइट जी। ठीक है सर, मैंने दोनों चीज़ें आगे एक्सप्लेन कर दी। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको जल्द से जल्द समाधान प्रोवाइड करने। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। बाकी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, आपके या मैं अंडरस्टैंड हो गया, समझ गया, और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच सर, वो इसी वजह से थोड़ा हो गया था, माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है आप घर से बात कर रहे हैं क्योंकि आवाज बिहाइंड से आ रही थी। ठीक है, नहीं यहाँ पे स्ट्रेट डॉग है। ऑफिस मतलब नाइट में भी चालू रहता है? चलता तो है सर। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, एंड आपको फीडबैक दे दूंगा मैम, मुझे बेस्ट भेज दो। थैंक यू सो मच सर, मैं ट्रांसफर कर दूँगा। जियो केयर में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की गई सहायता से संतुष्ट हैं। इस बातचीत के अपने अनुभव को हमें 1 से 5 में से एक नंबर दबाकर बताएं, जहां 5 का मतलब आप बहुत संतुष्ट हैं और 1 का मतलब है कि आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद।